अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट हम लोग किस तरह से घर में बना सकते हैं और उसे कितने दिन तक का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से। तो आ जाओ देखते हैं। एक किलो मैंने लहसुन ली हूँ और एक किलो लहसुन के लिए मैंने एक किलो ही अदरक ली हूँ। अगर आप आधा किलो लहसुन लेंगे तो आपको आधा किलो अदरक लेनी है। अगर आप पाव किलो लहसुन लेंगे तो आपको पाव किलो अदरक लेनी है। लहसुन को अच्छे से छील लेना है और अच्छी तरह से धो लेना है। अदरक को भी हमें अच्छी तरह से साफ़ करके, कटिंग करके अच्छी तरह से धो लेना है और उसमें पानी बिल्कुल भी दोनों में नहीं रखना है। तो आइए चलिए अभी हम पेस्ट बनाना शुरू करते हैं। आप लोग सोच रहे रहेंगे कि मैं इतना सारा मसाला बना रही हूँ, तो मैं इतना मसाला बना रही हूँ, मैं कम से कम एक महीने का मसाला बना रही हूँ। अदरक और लहसुन को हमें मिक्स कर लेना है। अभी हम ये मिक्सर के जार में डालेंगे। हमें पीसने के समय पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पानी डालने से हमारा मसाला ख़राब भी हो सकता है और ज़्यादा पतला हो जाएगा, क्योंकि लहसुन में और अदरक में पहले से ही पानी ज़्यादा होता है। ये देखिए हमारा पेस्ट बना के एकदम रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना बारीक पीसा गया है। एक बूंद भी मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाली हूँ। बगैर पानी डाले ये इतना अच्छा पीसा गया है। देखिए कितने अच्छे से पीसे गया है। अभी मैं आपको बताती हूँ। और ये बारीक नमक है, आप घर में जो नमक यूज़ करते हैं खाने में वो नमक इसमें मिक्स करेंगे। अभी मैं जैसे कि एक किलो अदरक, एक किलो लहसुन था मेरा, ज़्यादा था, इसके लिए मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। ये चम्मच से मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने अंदाज से भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना पकाएंगे तो आपको नमक थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे मसाले में भी नमक होता है। हम अदरक लहसुन में भी नमक डाल रहे हैं, हमारी मिर्ची पाउडर में भी नमक होता है, तो आप पकाने के समय थोड़ा कम नमक डालिए। आधा वाटी तेल गरम कर लेना है। आप जो तेल खाते हैं वो तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल एकदम अच्छी तरह से गरम हो जाना चाहिए। ये गरम तेल भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए किस तरह से आवाज़ आ रही है, इस तरह से आवाज़ आनी चाहिए। ये देखिए ऐसे। तेल डालने के बाद हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है एकदम, कि नमक और तेल पूरा मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एकदम अच्छे से मिक्स करना है। इससे आपका एक फ़ायदा होगा कि आप इसे बाहर भी रखेंगे 15 दिन तक का या महीना भर, तो आपका मसाला ख़राब नहीं होगा। और दूसरी बात, आप इसे फ्रिज में भी रखेंगे तो भी आपका मसाला ख़राब नहीं होगा और इसका कलर जो है वो एकदम ऐसे ही रहेगा। ये मसालों की ज़रूरत हमें रमज़ान में बहुत पड़ती है। अदरक लहसुन के बगैर हम कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। तो दोस्तों आप लोग भी ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट हो चुका है। आप लोग भी बनाओ और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। फिर मिलती हूँ आप लोगों को मैं कोई अच्छी सी टिप के साथ।